Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Hello everyone. वेलकम टू अड्डा 247। एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सभी लोग पहले ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। आज यहाँ पे अपन मेजरमेंट से के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करिएगा। हर एक क्वेश्चन पे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन आपके पास बायलिंगुअल है, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे हिंदी भी दिया जाएगा और इंग्लिश भी दिया जाएगा, और आपको सोच समझ के बताना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इनको जूम कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल होंगे। आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया है द मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, क्या बोलोगे? आप सभी बताइए। यहां पे पूछा जा रहा है मेथड यूज्ड फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आप कौन सी मेथड का यूज करते हो, क्या बोलोगे? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलोगे क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलोगे क्या? बताओ, क्या आपका आंसर आप व्हीट स्टोन ब्रिज होगा? कभी नहीं होगा ना यार। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका आंसर होगा क्या यहाँ पे? कभी नहीं होगा। कभी भी आपका आंसर यहाँ पे डी तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो भाई, उतना सही समझ गए आप लोग। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। सुरभि गौर बिल्कुल सही बोल रहे हो, दीपक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपका आंसर यहाँ पे होगा डी। आपका केल्विन डबल ब्रिज यूज होता है किसके लिए? आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। लेकिन एक बात और, एक मेथड और है जो कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट यूज होती है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी आपका यहाँ पे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में यूज किया जा सकता है। बट आपको ये समझना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लो रेजिस्टेंस से मेजर करना है, तो लो रेजिस्टेंस के लिए आपने मेथड बनाई क्या? केल्विन डबल ब्रिज। पोटेंशियोमीटर से आप यहाँ पे लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हो, कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेट करना और मेजर करना डिफरेंट होता है। पोटेंशियोमीटर बनाया किस लिए गया है? पोटेंशियोमीटर आपका बनाया गया है यहाँ पे किसके लिए? ये आपके बैटरी के वोल्टेज को रीड करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम इसका यूज एज अ लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा क्या माना जाएगा यहाँ पे? केल्विन डबल ब्रिज माना जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके फाइन, मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ। सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास यहाँ पे 30 सेकेंड का टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डीसी मेजरमेंट। डीसी मेजरमेंट में किसका यूज नहीं किया जाता, क्या बोलोगे? डीसी मेजरमेंट में किसका यूज नहीं किया जाता, आप क्या बोलोगे यहाँ बताइए सभी लोग? मूविंग आयरन वोल्टमीटर, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, डियाजनोवल, सभी लोग बताइए। 30 सेकंड का टाइम है, सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। सुरभि बोल रही है ए, मूविंग आयरन वोल्टमीटर। दीपक बोल रहे हैं बी, डीसी मेजरमेंट में किसका यूज नहीं किया जा सकता। दीपक बोल रहे हैं बी, सुरभि बोल रही है ए। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी बताइए क्या होगा। मूविंग आयरन वोल्टमीटर, बेटा आप ये समझिएगा, जिसने बोल रहे हैं यहां पे बी बोल रहे हैं और जो ए बोल रहे हैं सुरभि, समझिएगा मूविंग आयरन वोल्टमीटर आपका एसी और डीसी दोनों रीड करता है बेटा, इतना याद रखना ना। ये आपका एसी एंड डीसी बोथ रीड करता है, तो भाई ये अपना आंसर तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मूविंग आयरन आपका दोनों रीड करता है, एसी भी रीड करता है और डीसी भी रीड करता है। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर आपका एसी रीड करता है,
है ना, ये तो मतलब एसी रीड करता है। तो क्वेश्चन पूछा डीसी के लिए कौन यूज नहीं होगा, डीसी के लिए कौन यूज नहीं होगा, तो भाई आप बताओ यहाँ पे क्या आप वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करोगे, कभी नहीं करोगे। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर कब यूज होगा आपका, ये आपका यूज होता है किसके लिए, एसी के लिए। तो अब आप यहां बोलोगे इसका आंसर यहां पे क्या होगा आपका, ये होगा आपका आंसर, यहां पे क्या होगा बी होगा। नहीं राहुल, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर यहां पे क्या होगा बी होगा। डी आर्सेनल किसके लिए यूज होता है, डी आर्सेनल किसके लिए यूज होता है बताओ, ये आपका डीसी के लिए यूज होगा, ये आपका डीसी के लिए यूज होता है। आपकी डीसी में कौन यूज नहीं होगा, आपका वाइब्रेशनल एसी में यूज होता है, तो ये डीसी में यूज नहीं होगा। ओके फाइन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, अब उसका आंसर बताइएगा, बताइए। द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ, सीआरओ की जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, एमएम पर वोल्ट, वोल्ट पर एमएम, नन ऑफ द अबव, इन चार ऑप्शन में क्या आंसर होगा इसका, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं दीपक बोल रहे हैं थर्ड का भी, राहुल क्या बोल रहे हैं इसका, आपका जो सेंसिटिविटी होती है, सभी लोग ध्यान समझिएगा, दो आपके सीआरओ की जो सेंसिटिविटी होती है कल एम्पलीफायर सेटिंग का इनवर्स होती है, अब वो क्या होता है आपके पास वोल्ट पर एमएम है ना, उसका रेसिप्रोकल ले लो क्या हो जाएगा, एमएम पर वोल्ट रहेगा, तो आपका आंसर यहां पे क्या बी होगा। थर्ड का आंसर यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे बी होगा। आई थिंक सभी की बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अकर्स मैक्सिमम पावर लॉस ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब आप इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा पावर लॉस कहां पे होता है, क्या बोलोगे बताइए, ज्यादा पावर लॉस किसमें होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम पावर लॉस होता है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। दीपक बोल रहे हैं सी, राहुल बोल रहे हैं डी, आप लोग के कमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करके बताइए क्या होगा। मैक्सिमम पावर लॉस पूछा गया है तो ध्यान समझना, बाकी वही आपका क्या होगा मैक्सिमम पावर लॉस यहां पे करेगा। तो आई थिंक आप लोग मेरा यहां पे इंडिकेशन समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा यहां पे, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहां पे क्या होगा, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर भी आपका यहां पे ज्यादा पावर लॉस नहीं होगा, ज्यादा पावर लॉस कहां पे होगा आपका, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पे होगा। नाम इसका है हॉट वायर, वायर बहुत गर्म है, करंट की वजह से वायर बहुत गर्म हो गई है, उसके लिए यहां पे पावर लॉस, आप इसको यहां पे याद रख सकते हो एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर स्केल, ये क्वेश्चन तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है ना, ये एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। Which of the following has linear scale? आपके पास यहाँ पे चार मीटर दिए गए हैं और इन चार मीटर में पूछा गया है कौन से मीटर की स्केल आपकी यहाँ पे लीनियर होगी, सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताइए, निम्न में से किस मीटर का स्केल रेखीय होता है, विच ऑफ द फॉलोविंग मीटर हैज लीनियर स्केल, दीपक बोल रहे हैं डी, सभी लोग आंसर करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर करिए। अगर आप एग्जाम में ये एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपसे बनने चाहिए, ठीक है। और हम लोग आपके पास यहाँ पे डेडिकेटली यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये आपके लिए डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा।
दीपक का आंसर डी है, बाकी लोग बताइए, राहुल का आंसर बी है। ओके, और दो लोगों के आंसर आए, सभी को आंसर करना है। सुमित का आंसर है डी। ओके, तो याद रखना यार, है ना, याद रखना, आपके पास अगर मैं बात करूं, जब कभी भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब स्केल क्या हो जाएगी यहां पे, नॉन लीनियर, ठीक है। और जब कभी आपका टी डी आई के प्रोपोर्शनल होगा तो लोग यहां पे स्केल क्या होगी, यहां पे लीनियर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आपका जो पीएमएमसी मीटर होता है, क्या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका जो फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वो होता है क्या, बी आई एन ए, आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी आई एन ए, मतलब टी डी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आई के प्रोपोर्शनल है। अगर टी डी आपका यहाँ पे आई के प्रोपोर्शनल, इसका आंसर क्या होगा, फिर आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या, डी। याद रखना लीनियर स्केल किसकी होती है, मूविंग कॉइल मीटर की जो स्केल होती है वो लीनियर होती है, मूविंग आयरन की नॉन लीनियर होती है, याद रखना, थर्मोकपल की नॉन लीनियर, इसकी भी क्या होगी यहाँ पे, नॉन लीनियर, बस इसकी यहाँ पे क्या होगी, लीनियर होगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन से मीटर हैं जिनकी स्केल लीनियर होती है, तो याद रखना आप लोग, पीएमएमसी की स्केल लीनियर होगी, याद रखना, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ईडीएम में, ईडीएम में जब आप ईडीएम को एज अ वॉट मीटर यूज करोगे तब उसकी स्केल क्या होगी, लीनियर होगी, लेकिन जब ईडीएम को आप यहाँ पे एज अ एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर यूज करोगे तब इसकी स्केल यहाँ पे क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। तो याद रखना आपके पूरे मेजरमेंट में टोटल दो मीटर ऐसे हैं जिनकी स्केल लीनियर देखी जाती है, कौन कौन सी, पहला पीएमएमसी हो गया, चाहे पीएमएमसी एमीटर चाहे पीएमसी वोल्ट मीटर हो, दोनों के स्केल यहाँ पे क्या होगी, लीनियर होगी। और चाहे ईडीएम की बात करूं, अगर मैं ईडीएम में चाहे वो आपका वॉट मीटर हो तो लीनियर होगी, अगर एमीटर वोल्ट मीटर हो गया तो नॉन लीनियर होगा। तो आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी होगी, कौन कौन सी, ये और ये, फाइन, ओके। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले, द स्केल इज क्राउडेड एट द एंड इन केस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज बिकॉज, गुरुत्व द्वारा नियंत्रित यंत्रों में स्केल सिरों पर घन होता है, सघन होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है बैलेंसिंग वेट इज मोर देन कंट्रोलिंग वेट, पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है करेंट इज प्रपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल, थर्ड है डिफ्लेक्शन करंट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, और बैलेंसिंग वेट इज नॉट यूनिफॉर्म। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग यहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी को अटेम्प्ट करना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, ये जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। सभी लोग आंसर करिए, चलिए सुरभि का आंसर आया सी, सुरभि का आंसर है सी, बाकी लोग का आंसर देखते हैं अपन, बाकी लोग का भी आंसर देखते हैं, सभी लोग आंसर करिए। आपके स्केल में स्टार्टिंग के पार्ट पे आपकी स्केल वहां पे क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़, या बोलते हैं क्रैम्प है स्केल, क्राउडेड मतलब क्रैम्प बोल सकते हो अपने यहां पे, क्रैप होता था पास सघन। दीपक का आंसर है ए, दीपक का आंसर यहां पे ए है, और बाकी लोग बताइए, सभी लोग जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, दो आंसर यहां पे आए हैं, दो आंसर अभी तक आए हैं यहां पे, कौन कौन से, एक आंसर किसी ने बोला यहां पे सी, और किसी ने आंसर दिया यहां पे कौन सा आपका ए, दो आंसर यहां पे आए हैं, बाकी लोग बताइए और क्या क्या आंसर होंगे। अजीत का आंसर भी यहां पे सी है, तो ध्यान समझना, आपका जब कभी भी आपकी स्केल, मान लो यहाँ पे स्केल ऐसी है, आपकी स्केल दो टाइप की होगी, या तो लीनियर होगी तो नॉन लीनियर होगी, ठीक है। अब होता क्या है, आपको ये बोला कि आपकी स्केल यहाँ पे क्या क्राउडेड है, बहुत पास में, और बाद में यहाँ पे क्या एक्सपांडेड है, ऐसी स्केल किसकी होती है, ऐसी स्केल होती है आपकी मूविंग आयरन की, और मूविंग आयरन पे हम बात करेंगे, अगर हम वहां पे क्या लगाते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल लगाया गया है, तो ग्रेविटी कंट्रोल हमको पता है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीसी, वो हमारा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, है ना।
अब हमारा टी सी इक्वल टू टी डी होता है कब हमारा होता है, जब हमारा क्या होता है यहाँ पे वैल्यू पे होते हैं, जब हम स्टेडी स्टेट वैल्यू पे होते हैं, फाइनल वैल्यू पे होते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बराबर होता है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा टी सी बराबर हो जाएगा, मतलब जो टी डी आपका आई का फंक्शन होगा तो टी सी भी आई का फंक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या बोल क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन, यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। विच मटेरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, आप कौन से मीटर कौन से मटेरियल का यूज करते हो, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं। दीपक का है बी, सुरभि का भी है बी, दो लोगों का आंसर आ चुका है। आप सभी लोग अपने आप को जज करिए, अजीत आप बताइए क्या आंसर होगा, अजीत बासुमती सुमित सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा बेटा, अटेम्प्ट करना सभी को है ना। दो लोगों ने आंसर दिया है बी, क्या बी सही आंसर है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम किसका बनाएंगे, कौन से मटेरियल का बनाएंगे, स्टैंडर्ड मतलब समझो कि अच्छा रेजिस्टेंस को बनाना है, स्टैंडर्ड मतलब होता है एक तरह से अच्छा रेजिस्टेंस को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम एक अच्छे मटेरियल यूज करेंगे जिसका ऑलमोस्ट क्या हो, जिसका ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशियंट हो, है ना। और उनमें से जो बेस्ट मटेरियल मेरे पास मैग्नीन होता है, मेरे पास जो बेस्ट मटेरियल होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या होता है मैग्नीन होता है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा मैग्नीन हो जाएगा, आपका जो आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा मैग्नीन होगा, ओके। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे अड्डा 247 चैनल पे जो आपका ऐप है उसमें हम यूपी की जो पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आई है उनके लिए हम डेडिकेटली यहाँ पे एक कोर्स जनरेट किया हमने, आप सभी लोग उसको जाके एनरोल कर लीजिए और बढ़िया मचा देंगे अपन वहाँ पे, मतलब आपको बहुत ही मजा आएगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। डेडिकेटली सारी फैकल्टीज वहाँ पे वर्क करेंगी और आपको उस सब्जेक्ट के लिए उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, दोनों तरीके से हम आपको थ्योरी पार्ट भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी और जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी लोग देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले है ना। हलवा टाइप क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं है बेटा, आपको अच्छे लेवल का पढ़ना होगा तभी जाके आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। चलिए बताइए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट हैव सेंसिटिविटी, आपको सेंसिटिविटी दी गई कितना 1000 ohm per volt, ओके। फिर दिया गया द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ 100 volt scale वुड बी, ओ डिवाइस हैक, अरे भाई डिवाइस हैक भी आ गए यहाँ पे, चलो डिवाइस हैक मत करना भाई, आंसर बता दो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 A बोल रहे हैं सभी लोग इसका आंसर, दीपक भी A बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी और रेंज दी गई है और आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, A बोल रहे हैं सभी लोग यार, A बोल रहे हैं सभी लोग यार, ऐसा क्या हो गया, A कैसे बोल रहे हैं सभी लोग, इतने सिंपल क्वेश्चन को आप लोग यूनिट मैच करो बेटा, यूनिट मैच करो, है ना। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो यूनिट मैच है, रेजिस्टेंस पूछा है तो क्या करोगे, सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है ओम पर वोल्ट, क्या होती है ओम पर वोल्ट, इसमें 10 की पावर 5, दैट मींस योर आंसर वुड बी सी। तो आपको इस सेंसिटिविटी और किसका मल्टीप्लाई करना है, आपको रेंज का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा, अगर क्लियर तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट सेक्शन पे सभी लोग मैसेज करिए, सभी लोग है ना, बिल्कुल कमेंट सभी को करना पाएगा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर करके चले गए। सुरभि राहुल दीपक डिवाइस है ना, जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर करिए, दीपक ठीक है, चलिए फाइन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो भाई आपसे बनना ही चाहिए है ना, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब दिल खुश हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो अंकित सर का दिल खुश हो जाएगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका,
सभी लोग देखिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए क्या आंसर होगा। आपके पास यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन पे कि दो 300 वोल्ट मीटर डीसी वोल्ट मीटर है, आपके पास दो, एक नहीं दो डीसी वोल्ट मीटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अरे वाह, दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिए कितने यहाँ पे 15,000 ओम एंड 5,000 ओम, दोनों के इंटरनल इसमें आपको यहाँ पे दिए गए हैं। द मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच कैन बी मेजर्ड विथ दिस कॉम्बिनेशन इज, देखना पहली बात तो ये कि आपके पास यहाँ पे दो वोल्ट मीटर, एक ये वोल्ट मीटर है, देखना बताता हूँ मैं, एक ये वोल्ट मीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर आपका ये हो गया, ये दो वोल्ट मीटर आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक वोल्ट मीटर आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास कितना यहाँ पे 300 वोल्ट का है, ये भी आपका 300 वोल्ट का, दो वोल्ट मीटर है, दोनों 300 वोल्ट के हैं, दोनों को हमने यहाँ पे सीरीज में लगाया है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये टोटल कितना वोल्टेज रेट कर पाएंगे, और आपको क्वेश्चन पे ये भी बोला गया है इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कितना दिया गया था पे, इसका दिया कितना 15,000 और दिया गया 5,000, सभी लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा। नितेश का आंसर है ए, नितेश का आंसर यहाँ पे ए, सुरभि का भी आंसर है ए, सभी लोग बिल्कुल जम के आंसर करो ना, जम के सभी लोग आंसर करो, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर ना करे, जितने भी लोग देखना सभी लोग आंसर करेंगे। नितेश का आंसर है ए, सुरभि का आंसर है ए, बाकी लोग भी आंसर करिए। मैं वेट करूंगा सभी का। आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया नितेश सुरभि, आपने आई थिंक यहां पे केवल लगा दिया क्या, आपने इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया सुरभि, आपने शायद से केवल लगा दिया क्या यहां पे, ऐसे ही किया क्या नितेश, आपने भी ऐसे ही किया क्या, आपने यहां पे केवल लगाया क्या, अगर आपने ऐसा किया है तो आपने गड़बड़ किया, क्योंकि बात क्या है यहां पे समझना, बासुमती का आंसर यहां पे सी, चलो एक बार और देख लेते हैं, बाकी लोग भी आंसर देख लेते हैं, दो आंसर आए हैं पास ए और सी, आप तीनों के आंसर गलत हैं, आप तीनों के आंसर अभी तक गलत है, अभी तक की कोई भी किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं किया यहां पे। अब मैं बताता हूं, समझना होता क्या है कि यह है वोल्ट मीटर, यह है डीसी वोल्ट मीटर, लेकिन जो डीसी वोल्ट मीटर ये एक्चुअली में अंदर क्या होगा, एमिटर होगा, मतलब ये एक तरह से आपका क्या होगा, क्या होगा, करंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, लेकिन शो क्या कर रहा है यहाँ पे आपका वोल्टेज शो कर रहा, लेकिन रिस्पॉन्ड किस तरह करंट को कर रहा होगा, तो अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ, अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, कैसे, वी बाय आर, या फिर आपके पास यहाँ पे वी दिया है, यहाँ पे आर दिया है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसमें करंट है कितने यहाँ पे 0.02, इसमें करंट आ गया यहाँ पे 0.02 एम्पीयर, और इसमें करंट निकाल लोगे तो कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे, नहीं बेटा सूरज सुरभि ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखना जब आप इस वोल्ट मीटर की बात करो, मैं ये वाले वोल्ट मीटर की, इसमें सेफ करंट कितनी फ्लो, क्या बोलोगे वी बाय आर, इसमें कितनी करंट 0.02, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो निकालोगे 0.06। अब मान लो अगर आप यहाँ पे मान लो कि 0.06 करंट जाएगी, मान लो जो मिनट के लिए आप इस करंट को यहाँ से पास करो कितनी 0.06, तो होगा क्या कि ये वाला मीटर आपका डैमेज हो जाएगा, आपका ये वाला मीटर यहाँ पे क्या डैमेज हो जाएगा, क्यों डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी है 0.02, तो आप यहाँ पे 0.6 एम्पीयर करंट यहाँ पास नहीं कर पाओगे, तो भले इसकी कितनी करंट 0.06 आप यहाँ पे इतनी करंट पास नहीं कर पाओगे, तो यहाँ कितनी करंट पास करोगे आप फाइनली, सेफ करंट, सेफ करंट कितनी है 0.02, अब टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना पे 0.02 इनटू, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना पे 20,000, जिसको सॉल्व करोगे तो आप कितना पे 400 वोल्ट, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या होगा 400 वोल्ट होगा। क्या किया मैंने, मैंने दोनों वोल्ट मीटर की इंटरनल करंट निकाल ली, ये करंट निकाल ली मैंने, फिर दोनों करंट में से जो लोवेस्ट वैल्यू वाली करंट होगी उसको मैंने सेफ करंट मान लिया मैंने 0.02 को, फिर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये आपका 20,000, उसमें करंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 400 वोल्ट। जब आप इसको 400 वोल्ट दोगे ना तो ये रीड कर पाएगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज करोगे ना तो डिवाइस आपका डैमेज हो जाएगा, जब कभी भी आप इसको 400 से ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो डिवाइस जो आपके वोल्ट मीटर आपका हो जाएंगे यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उनकी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होगी। क्या ये बात आपको क्लियर है,
बिल्कुल सिर्फ ही मैं यहाँ पे सेफ करंट ले रहा हूँ, दिस इज आई सेफ, है ना। अब मेरे पास जो करंट इसमें 0.02 है, इसमें कितनी 0.02 होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, द मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना, मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। आपका 2 वोल्टमीटर थे, समझना क्वेश्चन को, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, पता मुझे। पहला वोल्टमीटर है, दूसरा वोल्टमीटर है, है ना। इसमें कितनी करंट थी आपका 0.02, इसमें कितनी करंट थी 0.06, है ना। जो सेफ मानी जाएगी कौन सी मानी जाएगी यहाँ पे, जो लोवेस्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ करंट होगी, ठीक है। स्वाद सुरभि, सुरभि अब क्लियर है आपको, यहाँ पे, यहाँ पे कितना था 0.02, यहाँ पे था 0.06। जब सीरीज में लगाओगे तो आप ये वाली करंट नहीं लोगे, कौन सी लोगे, लोवेस्ट वैल्यू करंट। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सभी को? बासुमती माझी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा बेटा, ए नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अच्छे से कमांड बनना चाहिए सब्जेक्ट का, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप कभी भी ऐसा मत केवल लगा दो कहीं पे भी, आपको करंट भी चेक करनी ना, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज बोला गया है, ये नहीं पूछा गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पे ये नहीं पूछा गया है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये नहीं पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इस सेटअप से हम कितना मैक्सिमम सेफ वोल्टेज रीड कर सकते हैं, वो हमारा होगा कितना, 400 वोल्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए सभी लोग। सभी लोग क्वेश्चन देखिए, सभी लोग क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं, कुछ भी कर लो। दो मिली एमीटर है, मिली एमीटर क्या होता है, मतलब जो बहुत कम करंट को मेजर करते हैं। 2 मिली एमीटर हूज फुल स्केल करंट आर 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एमीटर है जिनकी फुल स्केल कितनी 1 मिली एम्पियर एंड 10 मिली एम्पियर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट, आप कल से बिल्कुल मेजरमेंट को क्लास चलेगी अपनी, है ना, बिल्कुल प्रॉपर फ्लो में चलेगी। आप सभी लोग बिल्कुल रिविजन करके आओ, ठीक है ना। और बिल्कुल अपन फोड़ देंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, आपके हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा हमारे नोट से आया या हमारे क्लास से आया जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग इसको देख लीजिए, 2 मिली एमीटर है जिनमें फुल स्केल करंट 1 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर जो कि पैरेलल में है, दोनों की जो रीडिंग है कितनी 0.5 मिली एम्पियर और 2.5 मिली एम्पियर है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी, अंजलि तिवारी का आंसर यहाँ पे सी है, अंजलि का यहाँ पे आंसर सी है। बाकी लोग बताइए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखना आप लोग। आपका 2 मिली एमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, इनमें जो एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रही है कितनी कितनी फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपकी करंट फ्लो रही कितनी बेटा, इसमें आपकी करंट फ्लो रही कितनी यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर। मान लेते हैं यहाँ पे क्या आर ए है, ठीक है, यहाँ कितनी करंट फ्लो रही मान लो यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर, ओके, और यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास आर बी है। तो क्वेश्चन पूछा आपके पास यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी कितना होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। बासुमती माझी का मतलब यहाँ पे है डी, इनका आंसर यहाँ पे डी है। एनी वन और बताइए सभी लोग, अच्छा नितेश का आंसर भी यहाँ पे डी है, 4 लोगों ने आंसर किया है यहाँ पे, 4 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। ये बताओ मुझे यहाँ पे करंट कितनी है 0.5 मिली एम्पियर, यहाँ करंट ज्यादा है, यहाँ करंट ज्यादा है, यहाँ पे करंट कम, मुझे बताओ अगर यहाँ का करंट कम है, यहाँ करंट कम है तो ये समझ जाओ यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा होगा ना यार, कॉमन सेंस की बात समझो। इनमें करंट का जो रेशियो कितना है, 1:5 या फिर 5:1 बन रहा है ना, 5 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना। तो आपका आंसर तो सी या डी में से कोई होगा, इतना तो क्लियर है आपका जो आंसर होगा सी या डी में से कोई होगा, इतना हमको पता चला क्योंकि यहाँ पे कितना 0.5 यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे 5 का फैक्टर आ रहा है, तो आपका आंसर सी या डी में से होगा। अब देखना यहाँ पे करंट कम है कि ज्यादा है, यहाँ पे करंट कम है, करंट कम होने का मतलब क्या है, आर ए का रेशियो क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ऊपर यहाँ पे ज्यादा फैक्टर आएगा, मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पे डी होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे डी, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सबको क्लियर है चीज,
सबको यहाँ पे क्लियर है चीज क्या? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए सभी लोग यहाँ पे, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग पढ़िए और इसको आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप लोगों के पास यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर 15,000 एसी वोल्टेज, इतना ज्यादा एसी वोल्टेज, इतना ज्यादा एसी वोल्टेज कौन रीड करेगा? सुरभि का आंसर है सी, अंजलि का आंसर है यहाँ पे बी। देखो भाई, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्या, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर सबसे गलत आंसर है। देखो गलत तो चारों है, मतलब इनमें से तीनों आंसर गलत ही होंगे, लेकिन एक होता है बहुत गलत। गलत और बहुत गलत में डिफरेंस क्या होता है यार? मतलब जिसके बारे में सोचना भी कि हम इसका आंसर बोल दें ए, तो पाप है ये। इस क्वेश्चन का आंसर ए बोलना पाप इसलिए है क्योंकि मूविंग कॉइल वोल्टमीटर आपका एसी मेजर करता ही नहीं है, सिर्फ आपका डीसी मेजर करता है, तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा भाई। मूविंग आयरन वोल्टमीटर नो डाउट ये आपका एसी मेजर करता है, लेकिन एसी में इसकी जो रेंज है वो 750 वोल्ट, याद रखना सभी लोग। एसी में जो वोल्टेज रीड करता है कितना है? 750 वोल्ट, इससे ज्यादा वोल्टेज रीड नहीं कर सकता, ठीक है। मूविंग आयरन आंसर इतना आपका आंसर नहीं होगा, मूविंग आयरन इतना तो नहीं होगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही कम रेंज होती, ज्यादा रेंज नहीं होती, तो जब हाई रेंज आपको रीड करना हो तो आपने एक स्पेशल टाइप का वोल्टमीटर बनाया है, उसको बोलते हो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ओके ओके, सी आपने 10 का आंसर बताया था, ओके ओके कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसका आंसर यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। अरे भाई यूरेनियम आ चुके हैं चलो आपने आंसर तो किया, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। कल से अपनी क्लास 7 PM पे रहेगी और हम मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल 11th का आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? बी होगा, बहुत बढ़िया विश्व, है ना, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताना क्या होगा सभी लोग? अरे वाह क्या बात है, डायलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाई, है ना, ये टॉपिक आप समझ पा रहे हो किस टॉपिक क्वेश्चन है? डायलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाई, कैपेसिटर की डायलेक्ट्रिक हानि डैश डैश द्वारा मापी जा सकती है। पहला है हेज ब्रिज, ऑप्शन बी है सेरिंग ब्रिज, ऑप्शन सी है मैक्सवेल ब्रिज, ऑप्शन डी है एंडरसन ब्रिज। सभी लोग आंसर करिए, अंजलि का आंसर यहां पे सेरिंग ब्रिज है, बी आंसर दे रही है अंजलि यहां पे, सुरभि भी दे रही है और सुरभि का भी आंसर बी है। एसी ब्रिज, बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी लोग भी बताइए, दो लोगों का आंसर आया है, यूरेनियम का भी सेरिंग ब्रिज है, बहुत बढ़िया फाइन, बहुत बढ़िया। आपका सेरिंग ब्रिज यूज होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट में और कैपेसिटेंस की डायलेक्ट्रिक लॉस मेजरमेंट में, है ना। हेज ब्रिज किसके लिए होता है बताओ मुझे, आप सभी लोग बताओ मुझे हेज ब्रिज का यूज किस में होता है? चलो इसका आंसर तो बी हो गया, समझ गया मैं, थैंक यू अंजलि, थैंक यू अंजलि, अच्छा आपने पढ़ा मुझसे, ओके समझ गया मैं, नाम लोग मैं याद रखता हूँ ना, ओके। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, हेज ब्रिज किसके लिए यूज होता है? हेज ब्रिज किसके लिए यूज होता है बताइए? हेज ब्रिज किसके लिए यूज होता है आपके यहाँ पे? हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस नहीं, हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, क्या? हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, जो हेज ब्रिज होता है आपका यहाँ पे वो हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और मैक्सवेल किस लिए यूज होता है आपका यहाँ पे? मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए। एंडरसन किस लिए होता है आपके? एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, है ना। ये तीनों हेज, मैक्सवेल, एंडरसन, ये तीनों ही इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, ये तीनों ही आपके पास यहाँ पे इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज यहाँ पे होते हैं, फाइन ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन भी है, मैं आपको थोड़ा टाइम तो दूंगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा यहाँ पे, टाइम दूंगा कि आप तो इसको सॉल्व कर लो। पहले आपके पास एक 50 ओम 1 मिली एम्पियर का एमिटर है, उसकी आपको रेंज को बढ़ाना है 2 मिली एम्पियर तक, ठीक है, तो आपको यहां पे कैसे सॉल्व करोगे?
बिल्कुल यूरेनियम, बिल्कुल सही बोल रहे हो ना आप, AMH, एंडरसन, मैक्सवेल और हेज, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां पे बताइए सभी लोग। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। फिफ्टी और 5.5, बिल्कुल सही आंसर बेटा। इसका जो आंसर कितना होगा 50 और 5.5 होगा, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा यहाँ पे, ए होगा। कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो है कितना पे, आर एस एस की वैल्यू होती है यहाँ पे क्या, आर एम अपॉन एम माइनस वन। एम यहाँ पे क्या होता है, न्यू अपॉन ओल्ड, याद रखना आपको, मेरा फॉर्मूला कहता है न्यू अपॉन ओल्ड, ठीक है ना। तो आर सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर एम की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50, अपॉन एम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 mA, आपकी नई रेंज बनानी है, ओल्ड कितनी है 1 mA माइनस वन, तो कितना 50 upon 2 - 1 50। तो ये तो हो गया आपका 50, इसके लिए 50 हो गया, इसके लिए कितना हो गया, सेम काम करना आपको 50 upon m - 1, m की वैल्यू आपकी कितनी होगी न्यू, कितना 10 mA अपॉन ओल्ड कितना पे 1 mA माइनस वन, तो 50 upon कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 - 1 9। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, तो आपका आंसर माना जाएगा ए, योर करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है, फाइन, है ना। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आर एस इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अ मीटर, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन में क्या लिखना आपको, अ मीटर अटेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 degrees, अ मीटर अटेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 degrees बाय फ्लोइंग अ करंट ऑफ 1 ampere। अगर आप 1 ampere करंट को फॉलो फ्लो करवाते हो तो 90 degrees का फुल डिफ्लेक्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। इफ द मीटर वर्क ऑन स्क्वेयर लॉ प्रिंसिपल, अगर हम मीटर को स्क्वेयर लॉ प्रिंसिपल पे वर्क कराएं, देन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट फॉर 45 डिफ्लेक्शन विल बी। तो आपको अगर 45 डिग्री पे डिफ्लेक्शन दिलाना है तो करंट कितना होना चाहिए, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे स्क्वेयर लॉ प्रिंसिपल है। स्क्वेयर लॉ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपका जो थीटा है वो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, किससे प्रोपोर्शनल यहाँ पे, थीटा आपका यहाँ पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। देखो थीटा 90 कम मिला यहाँ पे आपके 1 एम्पियर पे, ये तो बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन भी बोला गया है ना। और आपको 45 डिग्री पे कितना मिला यहाँ पे आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल, डिफ्लेक्शन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन, इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। फिफ्टीन का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, क्या होगा इसका आंसर बताओ सभी लोग। डिवाइस हैक का आंसर बी है, बताइए। सुरभि का आंसर सी है, वायर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। एवरेज कौन रीड करता है, एवरेज आपका पीएमएमसी और ईडीएम का वॉटमीटर, सिर्फ दो आपका एवरेज करेंगे, बाकी सारे के सारे यहां पे क्या करेंगे आपका आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। मैं आपको देखना, आप लोग, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, लिस्ट याद रखना आप लोग यहाँ पे। एमआई आपका जो वोल्टेज होगा रीड करेंगे, एवरेज कौन कौन करता है, एवरेज आप करते हैं कौन सा, पीएमएमसी का एमीटर वोल्टमीटर और EDM का वॉटमीटर, ये तीन आपके एवरेज करेंगे, ये सब के सब आपस यहाँ पे RMS करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा RMS होगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, बिल्कुल सही बोला आपने।
सुरभि, आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए सभी लोग। एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा, ठीक है बाद में सुरभि बाद में डिस्कस कर दूंगा उसके बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में बात करिए, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल होगा ये वाला। ईडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज इन डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में हम ईडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। कुछ लोग का डिवाइस हैक का आंसर ए है, नितेश का आंसर सी है। नितेश आंसर दे रहे हैं सी, साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज। ऐसा कोई फर्क, ऐसा कोई बात नहीं बेटा, है ना। अगर आप एडी करंट डैम्पिंग लगा दोगे तो साइज कैसे बड़ा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है यार, है ना। सी इस तो आपका भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी आपका करेक्ट आंसर तो नहीं होगा बेटा। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपस में, है ना, अपने दोस्तों को, ठीक है। और कल से अपन इसी टाइम पे अपन यहां पे मेजरमेंट की प्रैक्टिस एकदम क्लास रखेंगे, ठीक है। बताइए सी आंसर नहीं होगा, डिवाइस हैक का आंसर यहां पे ए है, बिल्कुल सही आंसर बेटा। अगर आप एडी करंट डैम्पिंग यूज करो तो क्या यहां पे, फॉर दिस इफ परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड देन डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी अफेक्टेड एंड प्रोड्यूस एरर इन द रीडिंग। क्योंकि आपके पास यहां पे आपका जो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यहां पे आप एयर कोर, आप यहां पे एयर कोर क्या यूज करते हो, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। और अगर आप यहां पे एडी करंट डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट लगा दोगे तो इसका जो स्ट्रेमेटिक फील्ड एरर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पे एडी करंट डैम्पिंग को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहां पे परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे तो परमानेंट मैग्नेट जो आप एडी करंट की लगा रहे हो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो आपके वीक मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, यहां पे अफेक्ट कर देगा। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, योर आंसर विल बी ए। आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, यहां पे ए होगा। सबको ये क्लियर है क्या, कंफर्म करिए एक बार। अगर सभी को यहां तक क्लियर तो बाय बाय कर दीजिए, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं यहां पे बाय बाय मैसेज करिए। जिनको भी क्लियर सब लोग बाय मैसेज करिए, बाय यस, है ना। सभी लोग रिप्लाई जरूर दिया करो प्रॉपर, है ना। मैं आप लोग के कमेंट्स इतने बढ़िया से पढ़ता हूँ। नितेश आंसर बी नहीं होगा बेटा, बी नहीं होगा। एडी करंट विल पास थ्रू आयरन एंड प्रोड्यूस लॉसेस, नहीं बेटा, है ना। एडी करंट लगाने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको एडी करंट लगाने के लिए आपको परमानेंट मैग्नेट लगाना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते अपन यहां पे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव एडी करंट एंड हिस्टेसिस लॉस, विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव एडी करंट एंड हिस्टेसिस लॉस। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों नहीं होता है। एनसी और ईडीएम दोनों ही आपके गलत आंसर हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ईडीएम जो आपका ईडीएम है उसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस जीरो होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आपके ईडीएम में बहुत कम होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां पर ईडीएम बहुत कम होगा लेकिन प्रेजेंट तो होगा, है ना। ईडीएम में बहुत कम होगा ये मान सकता हूं मैं, लेकिन प्रेजेंट तो होगा। बिल्कुल सही आंसर यूनियन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे भाई देखो, एडी करंट और हिस्टेरेसिस कहां पे होते हैं, ये लॉस वहां पे होते हैं, ये लॉस वहां पे होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं ना, क्या पास यहां पे
यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस कहां से हो जाएगा भाई? आपके पास यहां पे एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर यहां पे होगा बेटा वो क्या होगा आपके पास? ए होगा। सबको क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? नितेश बेटा 5 मिनट रुक जाओ बेटा ना, 5 मिनट में रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और है उनको सॉल्व कर लें अपन। और अपना टारगेट है बेटा अपन वीकली काम करेंगे, पहले ये सेट उठाया अपन ने, फिर नेक्स्ट सेट स्टार्ट उठाएंगे अपन, ऐसे कर करके अपन सारे सेट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। अब जीरो स्मॉल आप किसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे? जीरो को, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या देखना आप लोग यहाँ पे? अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ एसी एंड डीसी? आपके पास चार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन से आपके पास एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए यूज होंगे? तो क्या बोलोगे आप? इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? एसी और डीसी कौन रीड करता है आपके पास यहाँ पे? डिवाइस हैक का आंसर है डी, नितेश का आंसर है ए और सुरभि का आंसर है ए। बाकी लोग बताइए, तीन लोग के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं, इनमें से दो लोग के आंसर तो सही है। तीन लोगों ने आंसर किया है यहाँ पे, उन तीन में से दो लोगों के आंसर तो सही है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। मूविंग आयरन एमिटर, मूविंग आयरन एमिटर आपका एसी भी रीड करता है और आपका डीसी भी रीड करता है। ये आपका एसी भी रीड करेगा, आपका यहाँ पे डीसी भी रीड करेगा। सीटी बेटा ये तो करंट ट्रांसफॉर्मर है, सीटी यहाँ पे क्या आपका करंट ट्रांसफॉर्मर है, तो करंट को भी आपका क्या करेगा? मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास? परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप एमिटर, ये आपका सिर्फ डीसी रीड करता है। इसका मतलब क्या है? पीएमएमसी बोल रहा है यहाँ पे, क्या है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका आंसर पे क्या होगा? सी होगा। इंडक्शन टाइप एमिटर नहीं होता बेटा, इंडक्शन टाइप आपका यहाँ पे एनर्जी एमिटर होता है, याद रखना आप लोग, है ना। इंडक्शन टाइप पास यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी मीटर होता है, ठीक है ना। मूविंग टाइप आपके पास यहाँ पे एमिटर होता है। मूविंग आयरन टाइप आपके पास यहाँ पे क्या होगा? एमिटर होगा, जो कि एसी और डीसी दोनों रीड करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये सेशन मजा आया कि नहीं आया पहले बताओ सभी लोग। क्या आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके अच्छा लगा? कंफर्म करिए सभी लोग मुझे एक बार, अगर आपको ये मजा आया होगा, अगर आपको ये इफेक्टिव लगा होगा, तो अपन कल से इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन अपन सारे सेट यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। अपना टारगेट है कि सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं, उन सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, डिस्कस कर लें, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी तो पढ़ लेते हो, है ना, और क्वेश्चन आपके यहाँ पे जरूर हेल्प करेंगे। वेरी गुड सर, ओके, थैंक यू यूरेनियम बेटा, थैंक यू सुरभि, थैंक यू डिवाइस है। चलो अपन क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने कल के सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आप लोग अड्डा 247 की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लीजिए, वहाँ हमने पेड कोर्सेज अपने लॉन्च किए हैं, जहाँ पे हर एक फैकल्टी डेडिकेटली आपको वहाँ पे सब्जेक्ट को डिस्कस करेगी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, ठीक है। मिलते हैं अपन कल की क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड लक।